बड़ी एक ब्लैक डे कह लो या मनभागी की जिहड़ी घटना हैगी वापरी साडे नंगल कोट कंपलैक्स दे विच। वो ये होया कि साडे एक एडवोकेट भरा है, सब जानते हैं, सारी प्रेस मीडिया, एडवोकेट विशाल सैनी जो कि साडी बार का एक रिस्पैक्टेबल मैंबर है, तो एक सोशल वर्कर भी है अपने नंगल तहसील के आनंदपुर साहब कॉन्स्टिटुएंसी के। उन्होंने अज वो कोर्ट के पेश होए, ACJ सीनियर डिवीजन नंगल के उत्थे पेश हो के जदों बाहर निकले इस कोर्ट कंपलैक्स तो पुलिस मुलाजम जिहड़े तीन आए, विचों एक इंद्रजीत सिंह जिहड़े कि सारे जानते ASI हैं जी, उन्होंने आके उन्होंने जबरदस्ती इत्थों कोर्ट कंपलैक्स के उन्होंने चुकया है, तो जरा बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूएंसी इलीगल वे ना जरा है जो उन्होंने चक के लैके गया। एक एक पुरानी FIR जो कि 2022 की FIR है उस नामजद किया, वो FIR जी सी अननोन के खिलाफ है। अननोन के खिलाफ FIR के अज 10 महीनों बाद एक एडवोकेट विशाल सैनी का नाम उस FIR के पानी पाया गया, तो सारा ही जो वकील भाईचारा है ये पुलिस प्रशासन के जोड़ा ये रवैया है वह कंडेम करती है, तो कंडेम्ड के नाल नाल असी एक मता पाया अज मता पाया स्पैशल इंद्रजीत सिंह जो कि ASI है जो इतों कोर्ट कंपलैक्स के गिरफ़्तार करके उन्होंने गिरफ्तारी की वो, क्योंकि ये भी है कि एडवोकेट जा तो जो कोर्ट के आ रहा हो अपना कोर्ट का काम लै निपटा के जा रहा है तो वो अरैसट जी है नहीं पाई जाती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैगी है। मोर ओवर असी हुण सारिया बारां नूं आल ओवर पंजाब दे विच इस नूं कंडैम दे वास्ते कल दी कल दे रहे हैं, तो असी यही है कि जो पुलिस प्रशासन हैगा है वो इन्हां जिहड़ा हरकतों तो बाज आवे, साडी जिहड़ी यूनिटी है वकीलों की यूनिटी है भाईचारा हैगा है उन्होंने अजमावे ना कि असी अपने वकील भाईचारा ना खड़े हाँ, और जी ये गलत FIR जिस ना इन्हों का पाया है वो सरासर गलत। सारे प्रेस दे भरा है, असी इन्हां नूं बड़ा एमरजेंसी दे विच बुलाया, बड़े शॉर्ट नोटिस दिता। जिहड़ी ये पुलिस दी कार्रवाई है, जिहड़ी राज सरकार है, मंत्री साहब खुद वकील है, कदे उन्हां ने वो कहने मैं अपने पेशे दी कदर करदा, कदे इस तरह दा होया नहीं है, आल ओवर पंजाब नहीं, आल ओवर इंडिया दे विच कदे नहीं होया कि तुसी 2 साल पहली साल पहली FIR 1.5 साल पहली FIR दे विच जिहड़ी अननोन दे खिलाफ है एक रिस्पैक्टेबल बंदा तुसी नोटिस भेज सकदे, तुसी उन्हों तुसी कोई उन्हां उतों इनकुआरी दे विच शामिल होने लई कह सकदे, तुसी इलीगली उन्हों चक लैना। इस तरह का असी अतवाद दे विच सुनिया सी जदों टैररिज्म का जमाना सी कि साडे मलकीत अपना साडे उत्थे एक वकील साहब सीगे कुलवंत सिंह सैणी, उदों रोपड़ पुलिस ने उन्हां नूं मार दित्ता सी इस तरह ही अगवा करके। ये जिहड़ा इलीगल कंडक्ट है पुलिस का, ये इलीगल कंडक्ट नूं साडी बार एसोसीएशन नंगल साडे सीनियर सबान सारे ही कंडेम करदे, ते जिहड़ी काल दिंदे असीं पंजाब दी, उस तरह मंत्री साहब भी पंजाब सरकार सरदार भगवान सिंह मान जी भी कहिंदे महाराजा रणजीत सिंह जी दा राज है, भीम राव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा, कि यह संविधान है कि उस संविधान के वकीलों भी चकना शुरू कर दो, ऑर्डिनरी आम एक आम इंसान का की हाल होगा, तुम किडनैप कर लग जाओ, इलीगल किडनैपिंग है, यह चकया नहीं गया, यह किडनैप किया गया। जिहड़ी परचा 2 साल पहला होया 2022 अननोन के खिलाफ किया गया, किसी भी शहरवासी चक लिया जाए, किसी भी पिंड वासी चक लिया जाए, अज कि हद टप गई, अज किहड़ा खतरा आ गया पंजाब पुलिस नूं ते मंत्री साहब नूं कि उहनां नूं इह चकना पै गया, वकील नूं इलीगली जिवें अतवाद दे विच चकदे सी वकीलां नूं जदों इंसाफ लई असीं लड़दे सी, इस तरह साडे वकील भाई नूं लै गए। साडी बार एसोसीएशन इस एक्ट नूं कंडेम करदी इलीगल जिहड़े मुलाजम अज लै के गए SSP साहब भगवंत मान जी, देखो तुसीं खुद आके ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਲਮ ਕਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜੂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜੂਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ FIR ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ,
लानत है थोड़े यह जे प्रशासन से, लानत है थोड़े महाराजा रणजीत सिंह जिहा जिहा तुसी राज करदे, और यह जिहा राज महाराजा रणजीत सिंह भी शर्म आती होगी, सरदार भगत सिंह जी भीम राव अंबेडकर भी शर्म आती होगी कि जेड़े लोग वकील आम नागरिक की राखी करते अदालतों के विच, अज उन्हां वकीलों नूं पंजाब पुलिस किडनैप कर रही, ते जेड़े साडे वर्गे बोलते हैं उन्हां नूं अननोन एफ आई आर करके धमकियां दित्तियां जा रही। भगवंत मान जी मंत्री साहब अगे तो साडे कन्न अखां दोगियां बोल बोल के, मैं तुहानूं बेनती करदा इन्हां नूं नथ पाओ पुलिस वालियां नूं, अपने इन्होंने अपने इतने साड़ी अदालत दे विच हुण भी साड़ी सूह लैण लई बैठे, इस करके अज तुसी वकील नूं किडनैप किया अरैसट नहीं किया क्योंकि वह अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा सी, अपने कोर्ट के केसां दे विच पेश हो रहा सी, इस करके अज बार एसोसीएशन नंगल इस पुलिस के इलीगल कंडक्ट नूं कंडम कर दी, ते नाल मंत्री साहब का जिहड़ा हिडन एजेंडा है कि तुसी लोकां ते जिहड़े बंदे बोलदे आ कदे थोड़े बंदे पत्रकारों नूं आनंदपुर साहब दी कचहरियां च कुटदे, कदे हुण तुसी वकीलां नूं चकदे, ये कहड़ा राज है थोड़ा? तुसी ड्रामे कर सकदे केवल सोशल मीडिया ते आके, इस करके पंजाब दे डीजीपी नूं भी बेनती है कि जिहड़े वी पुलिस वाले ने साडे वकील भरा नूं किडनैप किया उहदे किडनैपिंग दा परचा दर्ज किया जाए, नहीं तो असीं कानून दे राहीं दसांगे कि उहनां नूं कानून की हुंदा। अज इस पंजाब दे विच कानून दा राज खत्म हो गया, ते पंजाब नूं साडी बार एसोसीएशन नंगल अज काल दिंदी सारे पंजाब दे अदालतां नूं, सारे प्रधान साहिबानां नूं कि जिहड़े पुलिस ने वकील नूं कचहरियां दे विचों किडनैप किया उस एक्ट नूं कंडम करे, ते आने वाला जिहड़ा साडा फर्दर एक्शन है बहुत सख्त होऊंगा। मंत्री साहब फिर तुसी धमकियां देण लग पैंदे आके, तुसी तुहानूं लोकां ने परफॉर्मेंस नहीं चुनिया, थानू धमकियां देने लई नहीं चुनिया, थानू गुंडागर्दी लई नहीं चुनिया, थोड़े दे विरुद्ध जो भी सरकार दे विरुद्ध बोलदा उहनूं तुसी दबाउण दी कोशिश करदे, ते नंगल एसोसीएशन बार एसोसीएशन सरदार नवदीप सिंह जी हीरा अमेश बैंस जी अपने नड्डा साहब खड़े रोशन लाल जी सोनी साहब जिन्हें भी सत्कारयोग साडे वकील साहब नां नहीं लै सकिया उह सारयां दी डीजीपी पंजाब ते मुख्यमंत्री नूं बेनती है कि जिहड़े पुलिस वाले ने किडनैप किया वकील साहब नूं उहनां ते किडनैपिंग दी धारा ला के उहनां नूं अंदर किया जाए, ते नाले उन्हां नूं सस्पेंड किया जाए, ते साडे वकील भाई नूं रिहा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों च बार एसोसीएशन नंगल सख्त कदम लैण लई मजबूर होगी जिहदे लई प्रशासन जिम्मेवार होगा। ते भगवंत मान जी थोड़ी आपां कीमत ते नहीं कोई शक करदे इमानदारी से, पर जिहड़े थोड़े थले वाले है जिन्हां ने गुंडागर्दी की हुई इन्हां नूं नथ पाओ, एनआई कहिंदा होया धन्नवाद करदा थोड़ा, ते बेनती करदा कि साडी गल नूं लोकां तक पहुंचाओ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ? ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਭਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੁਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਨਨੋਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।